हमीरपुर में सड़क किनारे बन रहे फुटपाथ के लिए आजकल काम चला हुआ है और प्रशासन के द्वारा 10 लाख रुपए की लागत से फुटपाथ बनाया जा रहा है, लेकिन मिनी सचिवालय के समीप बनाए जा रहे फुटपाथ को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने सवाल उठाए हैं। दुकानदारों ने फुटपाथ के नीचे बड़ी पाइप डालने को लेकर दुकानदारों ने मांग की है। सचिवालय से लेकर मृदुल चौक तक फुटपाथ बनाने का काम चला हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि हर साल बरसात में पानी दुकानों में घुस जाता है और इस बार फुटपाथ का काम चला हुआ है, इसलिए बड़ी पाइप डाली जाए ताकि दुकानों में पानी घुसने की समस्या को हल किया जा सके। उन्होंने बताया कि डांग कवाली की साइड का भी सारा पानी मिनी सचिवालय के गेट के आसपास की दुकानों में घुसता है, इसलिए फुटपाथ कार्य के साथ साथ बड़ी पाइप डाली जाए ताकि समस्या का हल हो सके। धर्मशाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 76 ग्राम चरस बरामद की है। दरअसल धर्मशाला पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में दाढ़ी बाईपास पर नाका लगाया गया था। सब इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि पालमपुर सब डिवीजन के तहत जारी होने वाले एक नंबर HP37F5065 की ऑल्टो कार में चरस की खेप लेकर कुछ लोग धर्मशाला की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने दाढ़ी बाईपास के पास ही नाका लगाकर गहनता से हर वाहन की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान जब उस नंबर की आल्टो कार जब नाके से होकर गुजरने लगी तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जब गाड़ी को रोका गया और चेकिंग हुई तो गाड़ी में 1 किलो 76 ग्राम चरस पाई गई। साथ ही वाहन में सवार 3 लोगों को भी रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर्स में ये तीनों लोग कुल्लू जिले से ताल्लुक रखते हैं और इनमें एक दंपति भी है। फिलहाल बरामद की गई चरस के साथ इन तीनों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि करते हुए धर्मशाला पुलिस स्टेशन के SHO राजेश कुमार ने बताया कि धर्मशाला में 3 व्यक्तियों के खिलाफ NDPS केस पंजीकृत हुआ है। उन्होंने बताया कि तीनों व्यक्ति जिला कुल्लू के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया ये तीनों व्यक्ति शिला चौक से धर्मशाला की तरफ ऑल्टो गाड़ी में आ रहे थे तो उनके थाने का स्टाफ वहां मौजूद था। उन्होंने उस गाड़ी को रोका तो पाया कि ड्राइवर के पीछे एक कपल बैठा हुआ था। उनके पास ही पड़ा मादक पदार्थ प्राप्त हुआ जिसका जब वजन किया गया तो 1 किलो 76 ग्राम निकला। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों के खिलाफ NDPS धारा 20 और 29 लगाई गई है। जिला प्रशासन हमीरपुर ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए हमीरपुर के बाल मैदान में पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के जवानों द्वारा परेड का अभ्यास किया जा रहा है। लेकिन बरसात का मौसम होने के कारण मैदान की हालत खराब हो गई है, जिसकी वजह से जवानों को परेड का अभ्यास करने में मुश्किलें हो रही हैं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसको देखते हुए सभी जवानों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखकर परेड का अभ्यास किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष स्कूल बंद होने की वजह से 15 अगस्त के दिन परेड में किसी भी स्कूल के बच्चों द्वारा हिस्सा नहीं लिया जा रहा है। इस बार केवल पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के जवान, जिला की स्पेशल टीम और स्काउट से संबंधित अध्यापक ही परेड में हिस्सा लेंगे। SP हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे नियमों का पालन करते हुए जवानों की परेड करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार स्कूल के बच्चों द्वारा परेड में हिस्सा नहीं लिया जा रहा है। अजीत सिंह ने कहा कि 15 अगस्त को खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस कर्मियों और होमगार्ड के जवान को जिला की स्पेशल टीम और स्काउट से संबंधित अध्यापक भी परेड में शामिल होंगे।